एवरीवन, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम वॉरियर में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग झारखंड का प्राचीन इतिहास डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्रिक टाइम्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्री हिस्ट्रिक टाइम को 3 युगों में बांटा गया है, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और धातु काल। इन तीनों कालों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, पाषाण काल यानी स्टोन एज। तो यह जो काल है 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के एज को पाषाण काल कहा गया है। इस पाषाण काल को भी 3 कालों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन तीनों को हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, तो 1991 में हजारीबाग जिला के इसको सरैया रहम देहांगी यहाँ पर से उत्खनन कराया गया और कुछ साक्ष्य प्राप्त किए गए। तो जो प्राप्त साक्ष्य थे उनमें पत्थर की कुल्हाड़ी, भाला, पत्थर के उपकरण मिले। तो इससे पता चलता है कि झारखंड में पूरा पाषाण काल के समय में यहाँ आदि मानव का निवास रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हजारीबाग के इसको क्षेत्र से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो उसको देखते हैं। पहला, बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। इसको से भूल भुलैया की आकृति, गुफा, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र के चित्र मिले हैं। शैल चित्र दीर्घा मिली है। खुला सूर्य मंदिर भी मिला है इसको से। तो ये जो चारों पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको हजारीबाग से मिले गए साक्ष्य हैं, ये चारों देख लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग के इसको सरैया रहम देहांगी से मानव निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। दूसरा पॉइंट, लूप गड़ी, ये भी हजारीबाग में है, यहाँ से कब्रगाह प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एज आ जाता है मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज। यह जो एज है 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक चला। इसका जो प्रमाण है झारखंड में गढ़वा जिले के भवनाथपुर, झरवार, हाथी गाय, बालूगारा और नाखगढ़ से मिला है। प्राप्त साक्ष्य में क्या है, तो पाषाण उपकरण है यानी पत्थरों के कुछ कुछ उपकरण हैं जिसको कि हम लोग माइक्रोलिथ उपकरण कहते हैं, तो ये मिले हैं। भवनाथपुर गढ़वा नामक स्थान से प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। तो प्राकृतिक गुफाएं और शैलचित्र कहाँ से मिले हैं, तो भवनाथपुर गढ़वा। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल हमने देख लिया। आगे नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, जो कि 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक झारखंड में इसके साक्ष्य रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, भवनाथपुर, झरवार, बालूगारा, नाकगढ़ से कुल्हाड़ी, खुरचनी, तक्षिणी मिले हैं। अन्य प्रमुख स्थल जहाँ से नव पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, बुर्ज, बुरहाड़ी, रारू नदी जो चाईबासा में है, बुरुहातु, दरगामा, चक्रधरपुर चाईबासा और बूढ़ा डी और तमाड़ जो रांची में है, इन सभी जगहों से नव पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बोरमैन की पुस्तक है द नेरियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
इस बुक से झारखंड के 12 प्रकार के हस्तकुठारों की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौपाषाण काल के समय में ही मुंडा जनजाति यानी प्रोटो एस्ट्रेलॉयड जनजाति प्रजाति के जो है मुंडा जनजाति वे झारखंड में प्रवेश किए थे। तो इस काल में जो प्राप्त औजार थे क्या क्या थे, तो पत्थर के स्लेट, छेनी, चाकू ये सारे थे। ठीक है, तो हमने पाषाण काल को देख लिया। दूसरा हमारा युग आता है पाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण युग यानी चैल्कोलिथिक एज। पाषाण युग के बाद और धातु युग से पहले के समय को ताम्रपाषाण युग कहा गया। पत्थर के साथ साथ तांबा का भी उपयोग हुआ है इस काल में। नोट करेंगे हम लोग कि झारखंड में ताम्रपाषाण युग का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ताम्रपाषाण युग का केंद्र बिंदु, तो सिंहभूम था। थर्ड जो युग आता है धातु युग यानी मेटल एज। इसमें सबसे पहले तांबा यानी ताम्र युग, फिर कांस्य युग, फिर लौह युग आया। तो इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। ताम्र युग यानी कॉपर एज, इसमें इस युग में सभी उपकरण औजार तांबा के बनने लगे। असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति तांबे के उपकरण बनाने की विद्या से परिचित थे। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हजारीबाग के बाहर गंडा स्थान से 49 तांबे की खानों के अवशेष मिले हैं। ओके, ताम्र युग के बाद आता है कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज। तो असुर और बिरजिया जनजाति इस युग के सूत्रधार थे और लोहरदग्गा से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कांस्य युग से। अब लौह युग में आते हैं। लौह युग के सूत्रधार असुर और बिरजिया जनजाति हैं। रांची जिले के नामकुम से तांबे और लोहे के औजार और बान के फलक प्राप्त हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे कुछ अदर्स है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, पहला पॉइंट, पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं। तो कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है, तो भवनाथपुर कड़वा। दूसरा पॉइंट, चार पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है किस स्थान से, तो पांडु। और इस चौकी को अभी पटना संग्रहालय में रखा गया है। थर्ड पॉइंट है, मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार ये कहाँ से मिले हैं, तो पांडु नामक स्थान से। फोर्थ पॉइंट, हस्त निर्मित मृद भांडों के अवशेष, पत्थर के मन के कुल्हाड़ी आदि ये कहाँ से मिले हैं, तो बोनगरा सिंहभूम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो प्रागैतिहासिक काल, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड में प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हम लोग पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और धातु काल को एक एक करके डिस्कस किया हमने। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।